वेब्स की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें पता चलता है यानी कि दिखाया जाता है कि दुनिया में कैसे ये एक्सजैन के हार्टबीट एक्स बट ऐसा कैसे बना यानी कि ये कैसे मॉन्स्टर वहाँ पर आते रहते हैं। और जब देखा जाता है वहाँ पर एक वार हुई थी जहाँ पर मॉन्स्टर ने यानी कि जो वहाँ पर अर्थ थी वहाँ पर से कोई कोई जगह पर डोर खुलने लगी और वहाँ से मॉन्स्टर आने लगे और वहाँ से वो लोग वार करने लगे यानी कि इंसानों के बीच में और उस मॉन्स्टर या फिर हम लोग कह सकते हैं रोबोट के बीच में लड़ाई होने लगी। और फिर हमें देखा जाता है वो लड़ाई कुछ दिनों के बाद रुक गई और फिर कुछ सालों के बाद यानी कि 6 महीने पहले इससे स्टार्ट हो गई है। और उन लोगों को रोकने के लिए और लोगों को बचाने के लिए ये एकेडमी बनी है यानी कि हमारे जो इसमें की दीदी जो कि होती है उस स्कूल की कमांडर और जब वो बोल रही होती है लोग उन लोगों को मार देंगे हमारे HX पावर से। और उसमें यानी कि हमारे गर्ल्स को पावर देने के लिए हमें एक जगह यानी कि एक आदमी मिल चुका है जो कि हमारे गर्ल को पावर देगा क्योंकि हमें जब हाइब्रिड और एक्स हाइड्रा की पावर जब कम जाएगी ना तब हमें पावर देगा। और जब वो बोलती है ये है किजुना यानी कि हिडा किजुना जो कि एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। और जब देखा जाते सब लोग हिडा किजुना को ही देखने लगते है और जब कमांडर बोलने लगती है वो हमें कैसे हेल्प करेगा इधर वो दिखाने लगती है यहाँ पर यानी कि एपिसोड 1 में जो दिखाया गया था ना को जो कि किजुना ने किया था सब दिखाने लगती है और जिससे उन दोनों की पावर्स मिल जाती है यानी कि प्यार मिल जाती है और इधर उसकी हाइब्रिड पावर भी बढ़ जाती है इसे ही कहें और उसे ही कहा जाता है हाइब्रिड एक्स हार्ट की पावर जिसको किरण में कहा जाता है। और इधर वो हमें सारे पावर देगा यानी कि जिसका पावर लेवल कम हो जाएगा उसे ये पावर देगा और ये सबको बचाएगा। लेकिन इधर किसान समझाने लगता है वो गन्ना आदमी नहीं है सब तो उसकी दीदी के वजह से ही उसे करना पड़ा। लेकिन सब लोग बोलने लगते हैं तुम ये सब क्या कर रहे थे उसके साथ लेकिन इधर किसी को भी समझ यानी कि समझ नहीं रहे थे कि वो अपनी पावर उसके साथ बांट रही थी यानी कि किजुना अपना पावर इन्हें साथ बांटी थी यानी कि बांटे था और इधर उसके कारण से वो ठीक हो पाई थी। इधर हमें दिखाते हैं हिमा कबा को जो कि बोल रही होती है यानी कि किजुना के पास आकर बोल रही होती है तुम ये सब क्या कर रहे थे उसके साथ। और इधर वो बोलने लगते तुम कौन हो और इधर वो बोलने लगती है मैं वो हवा कबा खटिया इंसान हो ऐसा वो बोल रही होती है जहाँ पर किजुना की दीदी बोलती है यानी कि दिखाती है जहाँ पर उन लोगों के पावर्स यानी कि किजुना और इना की पावर्स एक हो चुकी थी और इधर उसकी पावर भी बढ़ चुकी थी यानी कि हंटर की पावर बढ़ चुकी थी इस कारण से वो बच चुकी थी। और इधर वो बोलती है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ये हम लोगों को बचाएगा आपसे ये सबको प्यार बताएगा तुम सिर्फ उसके साथ यानी कि किजुना के साथ सेक्स करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ेगा तुम लोगों को अपनी ताकत बनाने के लिए इसके साथ सेक्स करना पड़ेगा ऐसा किजुना की दीदी उसके दिखाकर बोलती है जहाँ पर किजुना समझ आता है और जो सारे लोग शॉक हो जाते हैं इस बात को सुनकर। जब किजुना की दीदी यानी कि जब किजुना ने इन्हें को बचाया था वो सीने बार बार दिखा रही होती है तब उसने बहुत बार दबाया था और इधर ये सब देखकर किजुना समझ आता है इधर वो सबको समझाने लगता है। लेकिन इधर सब लोग सोचने लगते हैं ये घटिया इंसान है ये किसी के यानी कि किसी के साथ भी ये कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यानी कि किजुना के घर पर जब वो सोकर उठने लगता है और इधर उसके आगे कुछ परछाई जैसा आ जाता है और इधर वो जब उसका आँख खोलता है तब वो देखता है उसके आगे होती है इना और इधर वो आकर उसे बोलते आओ हम लोग करे। और जब देखते हैं इना बोलती है तुम ये सब करके यानी कि मेरे साथ वो सब करके सो रहे हो अब मेरे साथ और नहीं करोगे। और इधर इना को देखकर वो बोलता है क्या तुम ही हो ये सब क्या कर रही हो। इधर इना बोलने लगती है आज रात मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ और ये बात सुनकर किजुना बोलता है तो तुम आज रात को ही तो करोगे आज सुबह तो नहीं तो इधर तुम क्या कर रही हो। और ये बात सुनकर इना बोलती है अभी तो हम लोग घर पे है ना। इना बोलने लगती है तुम्हारी दीदी ने तो बोला था हम लोग कभी भी कर सकते हैं तुम अपने दीदी की बात नहीं सुन रहे हो। तो वो बोलती है आओ हम तो करते हैं अब। और जब वो उसके सर का बटन खोलने लगती है जहाँ पर किसी शर्माने लगता है और जब इना भी शर्मा रही होती है लेकिन वो करने लगती है तभी किसी ने बोलता है एक मिनट रुको और तभी वो उधर कुछ बातें करने लगती है तभी हमें दिखाया जाता है हिमा कबा बाहर से बुलाती यानी कि किजुना को बुलाती है और इधर वो बोलती है कल के लिए सॉरी ये आवाज सुनकर बोलता है हिमा कबा। और इधर हमें कहते हैं हिमा कबा बोल रही होती है कल जो मैंने किया वो बहुत बुरा था मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। और जब वो बोलती है कि मैं घर के अंदर आ सकती हूँ लेकिन इधर वहां से कोई आवाज नहीं आता है इसी कारण से हिमा कबा उस रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर वो देखती है किजुना के ऊपर होती है इना और इधर वो ये सब देख कर शर्मा जाती है। इधर वो बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो बेशर्म लड़के और इधर तुमने इना को भी किडनैप करके ये सब करने के लिए लाए हो। लेकिन इना बोलने लगती है ये सब तो मैं ही करने के लिए आई थी और ये बात सुनकर वो बोलती है मैं तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं दूंगी। और इधर वो तो नहीं अपने पावर से लड़ने लगते हैं और फिर हमें देखते हैं स्कूल पर लड़कियां लोग बातें कर रहे होते हैं
के बारे में और इधर हमें दिखाया जाता है ट्रिसिया को, जो कि यानी कि उसके दोस्त उसके साथ बातें कर रहे होते हैं और इधर वो लोग बोल रहे होते हैं क्या कमांडर ने सबको बोला है, क्या वही हमारे पावर बढ़ा सकता है, यानी कि जो तीन थे यानी कि हिवाकावा इना और इधर यूरिसिया, यानी कि यूरिसिया की वो सारे लोग यानी कि वो सारे लड़के दोस्त है और इधर वो लोग बोल रहे होते हैं वो इजोस वाला लड़का इसी रूम से है और इधर वो लोग उसके बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर आ जाता है कि सुना उसके साथ ही होती है इना और इधर उसके साथ ही होती है हिवाकावा और इधर वो हमें दिखाया जाता है उसको यानी कि किजुना को सब लोग देखने लगते हैं और इधर किजुना सोचता है ये तो होना ही था और इधर तभी वहां पर आ जाती है ट्रिसिया और इधर वो आकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है और इधर किजुना भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है और इधर वो लोग को यानी कि किजुना और यूरिसिया को बातें करते हुए देखकर दोस्त उसके आगे आने लगते हैं और इधर वो लोग बोल रहे होते हैं तुम उसके साथ बातें मत करो उसे रोक रहे होते हैं लेकिन यूरिसिया बोलती है हमें बात करने दो। इधर वो उसके आगे आ जाता है और इधर वो बोलने लगती है यानी किजुना को बोलने लगती है क्या तुम मेरे साथ भी करना चाहते हो मेरी पावर को बढ़ाने के लिए, इधर वो कुछ दिखाने लगती है इधर वो बोलते अभी करेंगे क्या और इधर ये बात सुनकर हिवाकावा बोलती है तुम ये सब इधर यानी कि क्लासरूम में नहीं कर सकते और इधर ये बात सुनकर इना भी बोलती है किजुना और मैं बाहर करेंगे, फिर हिवाकावा बोलती है ये सब स्कूल में ही नहीं कर सकते तुम ये सब कभी भी नहीं कर सकते और तभी हमें दिखा से एक आवाज आती है जहाँ पर एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है और इधर किजुना यानी कि वो लड़की किजुना को बुलाती है एक जगह पर और इधर किजुना बोलता है तुम कौन हो और इधर वो लड़की बोलने लगती है मैं साइल्विया हूँ और मैं फर्स्ट ईयर की मिडिल स्कूलर हूँ। इधर वो बोलती है कमांडर आपसे बात करना चाहते हैं कैप्टन किजुना और फिर हमें दिखा जाता है साइल्विया और किजुना एक साथ ही जाने लगते है जहाँ पर किजुना पूछने लगता है क्या यही है हार्ट हाइब्रिड स्लैब और इधर वो लोग ऐसे बातें करने लगते हैं जहाँ पर वो एक जगह पर एक फोटो को देखते हैं यानी कि किजुना एक फोटो को देखता है जहाँ पर उसके मॉम का फोटो होता है लेकिन इधर ऐसा लगता है कि किजुना अपने मॉम से यानी कि मॉम को पसंद नहीं करता है और उसने यानी कि उसके मॉम ने ये गियर्स बनाए है और तभी हमें दिखाई देता है वो लोग जाते हैं जहाँ पर होती है किजुना की दीदी उसके साथ एक और रिसर्चर भी होती है और इधर वो तीनों यानी कि वो सारे बातें करने लगते है और इधर तभी किजुना की दीदी उसे एक लड़की तरह कुछ देती है जहाँ पर सब लड़कियों के डिटेल्स होते हैं क्योंकि उसे चाहिएगा वो उसकी पावर बढ़ाएगा यानी कि सारी लड़कियों के बारे में पावर बढ़ाएगा आपको उसकी जानकारी चाहिए ना तो इसी कारण से ही उसको ये दिया जाता है। इधर हमें दिखा जाता है किजुना की दीदी बोल रही होते है इस जगह से यानी कि जो मैंने वोट दिया है उस पर ही तुम देख सकते हो सारी लड़कियों के हार्ट हाइब्रिड काउंट कितने है यानी कि वो कम है या ज्यादा तुम ये सब देख सकते हो। इधर वो बोल रही होती है कि वो जब यानी कि उन लोगों का हार्ट हाइब्रिड काउंट जब पांच पर पहुंचेगा तब वो अपने गियर्स से काबू खो बैठेंगे और इधर किजुना बोलता है तुम्हें ये क्यों याद रखो और इधर उसकी दीदी बोलने लगती है तुम उनके साथ फिर हार्ट हाइब्रिड करके ताकत बढ़ा सकते हो उनका क्योंकि तुम्हें ये काम दिया गया है क्योंकि तुम स्पेशल हो। और इधर किजुना का गियर का नेम था इरोस और इधर आप लोगों के गियर के नेम होते हैं क्योंकि हम यानी कि मैं आप लोगों को बाद में बताता रहूंगा। इधर हमें दिखा देता है उसकी दीदी यानी किजुना की दीदी बोल रही होती है हमें तुम्हारे चेस करने में पता चला है पर इजोसी ये सब कर सकता है यानी कि हार्ट हाइब्रिड काउंट को बढ़ा सकता है। जब वो किजुना के पास अगर बोलती है एक सब मैं बोलूं तो तुम्हारे पास अब दुनिया की यानी कि दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारे पास ही वो ताकत है तुम कैप्टन की काम अच्छा करना कि अच्छे से करना। और ये बात सुनकर किजुना बोलता है एक मिनट मैं और कैप्टन कब से बना। ये बात सुनकर किजुना की दीदी बोलती है आज से तुम अमर छुपे के कैप्टन हो। ये बात सुनकर सिल्विया बोलती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। इधर किजुना की दीदी बोलती है मुझे सिल्विया बता दे रहेगी कि तुम्हारी रिश्ता उन लड़कियों के साथ कैसा है यानी कैसे चल रहेगी। ये बात सुनकर किजुना बोलता है ये तो गलत है और इधर मैं दिखाया जाता है वो लोग बोल और इधर मैं दिखाया जाता है किजुना यूरिसिया और इसके साथ ये होती है इना और इधर हवा का भी और इधर वो लोग एक मिशन में आए थे। इधर मैं दिखाया जाता है किजुना की दीदी बोल रहे होते है तुम्हारा वो मिशन है जहाँ पर तुम्हें एक आइलैंड में जाना पड़ेगा और इधर तुम्हें हमारे लिए वहां से जानकारी भेजना पड़ेगा कुछ सैंपल्स भी लेना। फिर हमें दिखाई जाता है यूरिसिया की यूरिसिया को कमांडर बोलती है तू अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारा हाइब्रिड काउंट 20 से भी कम है तू अपना ध्यान रखना। और ये बात सुनकर यूरिसिया बोलती है वो जगह यानी कि वहां पर कोई भी नहीं होगा वो लड़ाई के लिए सेफ है मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर यूरिसिया उन लोगों से पहले ही वहां पर चली जाती है यानी कि उस जगह पर चली जाती है जहां पर हमें दिखाई हवा को जा रही होती है और इना और इधर किजुना एक साथ ही बातें करके जा रहे होते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि वो नंबर वन है रैंकिंग में अमेरिका से वो बहुत ही ताकतवर थे। फिर हम लोगों को दिखाई देता है वो लोग आइलैंड में पहुंच चुके थे और फिर वो लोग जानकारी ढूंढने लगते हैं जहां पर किजुना को यूरिसिया पकड़ के वहां से ले जाती है
इधर वो लोग बातें करके जा रहे होते हैं जहाँ पर यूरी से पूछते हैं तुम अभी तक कितने दुश्मनों को मारा है, और इधर जुना बोलता है जीरो, और ये बात सुनकर वो बोलती है तुमने अभी भी किसी को भी नहीं मारा है, और फिर वो बोलते है तुम्हारी गर्ल का खासियत क्या है, उधर वो यानी कि जुना बोलता है मुझे भी नहीं पता है। फिर ये सब बातें सुनकर किसना पूछता है यानी कि ऋषा को पूछता है जहाँ पर वो बोलती है यानी कि वो पूछता है कि तुमने अभी तक कितने मारे है, और इधर वो बोलती है मैंने अभी तक लगभग 300 से भी ज्यादा मारे है, और ये बात सुनकर वो बोलता है इसी कारण से तुम अमेरिका की नंबर वन हो, और ये बात सुनकर वो बोलती है इन्हें भी खास नहीं, और इधर वो जाने लगती है जहाँ पर हमें दिखा जाता है वहाँ पर एक दूर की तरह कुछ खुलता है जहाँ से बहुत सारे रोबोट की तरह कुछ आने लगते हैं। ये सब देखकर यूरिसिया डरने लगती है, तभी इना और हवा को दिखा जाता है जो कि कुछ सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं, और इधर वो यानी कि उन लोगों को भी दिखाई पड़ता है वो दूर। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ करती है जिसके कारण से वहाँ पर कुछ भीड़ की तरह आ जाता है जिसके कारण से हवा कवा और इना वहाँ से निकल नहीं पाते, और वो लोग बहुत ट्राई करते हैं तभी वो लोग निकल नहीं पाते, और फिर से हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यूरिसिया अपने पावर को यानी वो अपने फॉर्म पर आ जाती है उसे लड़ने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है यूरिसिया उस रोबोट को आसानी से मार देती है, और जब मैं जैसे वहाँ पर आ जाता है किचुना उधर वो बोल रहा होता है कि मेरा कॉल नहीं लग रहा था मेरी दीदी से, और उधर ये बात सुनकर प्रिसिया बोलती है ऐसा होता है जब दरवाजा खुलता है तब ऐसा ही होता है, और इधर वो बोलती है कि हम अभी तो अपने सूट पहने हुए हैं, हम लोग जो जो सूट पहने हुए हैं उन लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, और इधर वो अपना बस निकलती है, और इधर वो हवा कवा और एनस के साथ बातें करने लगती है यानी कि करने के लिए कॉल लगाती है, लेकिन इधर वो दिखती है उसमें भी फेल आ रहा था। और फिर मुझे जाता है बहुत सारे रोबोट वहाँ पर आ जाते हैं, और इधर वो किचुना को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और फिर किचुना भी ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, और इधर दिखाई देता है किचुना सोच रहा होता है वो एक लड़की को अकेला ही वहाँ पर कैसे छोड़ जा सकता है, और फिर उसे एक अलर्ट आता है यानी कि उसके जो उसकी दीदी ने दिया था वहाँ पर से एक अलर्ट आता है कि यूरिसिया का जो हार्ट काउंट है यानी कि हाइब्रिड काउंट है वो 6 पर पहुंच चुका है यानी कि बहुत कम है। ये देखकर किचुना शॉक हो जाता है, और इधर मुझे कहते हैं यूरिसिया को भी पता चल जाता है कि उसका लेवल अब 6 हो चुका है, और पास में तो वो ही यानी कि उसके जो पावर्स थे सारे कुछ चले जाएंगे मुझे के लिए नहीं, लेकिन वो अपने बेकाबू हो जाएगी, और तभी एक बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर की तरह वहाँ पर एक आ जाता है। ये सब देख कर यूरिसिया डरने लगती है, लेकिन वो तभी अटैक करने लगती है जो कि उसके ऊपर यानी कि जो आया था ना उसके ऊपर अटैक करने के यानी कुछ भी नहीं होता है, और तभी मुझे कहते हैं उसे एक शॉक लगता है यानी कि यूरिसिया को एक शॉक लगता है, और फिर वो अपने आप को देखने लगती है जब वह उसका लेवल यानी कि हार्ट काउंट 4 पर पहुंच चुका था यानी कि वहां से भी कम, और उसके जो पावर्स थे वो गायब होने लगते हैं, तभी उसे कुछ होने लगता है, तभी वो जो मॉन्स्टर की तरह था वो उसके ऊपर अटकने वाला होता है, और ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी हमें दिखा किचुना को जो कि उसके आगे आ जाता है, और इधर वो उस अटैक को तो रोक लेता है लेकिन इधर वो बहुत जख्मी हो जाता है, और इधर वो वहां से दूर गिर जाता है, और फिर हमें दिखता है ऋषा उसके पास आकर बोलने लगती है तुम मुझे जानते भी नहीं तब भी तुमने मुझे बचाया क्यों, इधर वो बोलने लगता है एक लड़की को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, और इधर किचुना उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और फिर वो उसके कुछ सुनने लगता है जिसके कारण से उन दोनों की पावर कि वहाँ पर हार्ड हाइब्रिड हो जाता है, और इधर उसके पावर और किचुना के पावर मिल जाते हैं जिसके कारण से उसकी एबिलिटी वापस आ जाती है और उसके पावर भी वापस आ जाती है, और फिर वो अपने पावर को लौटा यानी कि उसके पावर्स लौट आती थी कहाँ से वो अपने उस जो मॉन्स्टर आया था ना उसको अटैक करने के लिए चली जाती है, और उधर वो उसे यानी कि किचुना को शुक्रिया कहती है उसे बचाने के लिए, और फिर वो उस मॉन्स्टर को आसानी से मार देती है। तभी हमें दिखाई जाए हवा कवा और एना को जो कि एक साथ ही होते हैं, तभी वो बेरे वापस से चला जाता है, वो लड़की भी वहां से चली जाती है जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रही थी ऐसे उन लोगों ने ये काम किया था। और फिर हमें दिखा जाता है यूरिसिया उन लोगों को कॉल लगाते हैं, और इधर हमें दिखा जाए यूरिसिया को जो कि किचुना के पास होती है, और इधर किचुना उसके उन लोगों पर होता है, फिर वो बोल रही होती है यानी कि यूरिसिया बोल रही होती है मैंने भी हार्ट हार्टब्रेक किया मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बात सुनकर हवा कवा बोलने लगती है तुमने भी किया ये सब मैं कमाल की हूँ है ना मैंने हार्ट अटैक कर लिया ऐसा यूरिसिया बोल रही होती है, और ये बात सुनकर एना को बहुत गुस्सा आता है कि उसने भी नहीं कर यानी कि वो भी नहीं कर पाए, और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग यानी कि किचुना होते हैं उसके दीदी के पास, और इधर उन लोगों को बताया जाता है जो रोबोट आ रहे थे वो किसी वजह से यानी कि किसी ने शायद से वहाँ पर बुलाया था। फिर हमें दिखाया सिल्विया और किचुना वहाँ पर आ जाते हैं यानी कि उन लोगों के रूम पर आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते ही ना उनका वेट कर रही होती है, और बोलते अब मेरे साथ करो, और फिर तुम्हें एक आवाज आती है और उस रूम पर आ जाती है यूरिसिया, और इधर वो आकर किचुना को पकड़ लेते हैं, और इधर वो बोलते हैं फिर से करते हैं
डाइना बोलती है ये अब मेरे साथ करेगा, और जब वो दोनों ऐसे लड़ने लगते हैं और जब ये हवा कवा आकर देखती है वो दोनों कैसे होते हैं, यानी कि किसना के साथ कैसे थे, यानी कि वो दोनों उसे पकड़ ले जाते हैं, और ये सब देखकर हवा कवा शर्माने लगते हैं। इधर वो बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, और फिर वो अपने पावर यूज करने लगती है, और जब वो लोग ही झगड़ा करने लगते हैं तभी सिल्विया फोन करके बोलती है हाँ कमांडर मेरे पास एक अच्छी खबर है, और ये बोले ये एपिसोड एंड हो जाता है।